बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022-2023 फॉर ग्रेड 9। नेशनल बुक फाउंडेशन, फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड, इस्लामाबाद। टुडे वी डिस्कस द यूनिट नंबर सेकेंड। आज हम सेकेंड यूनिट की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसको हमने रीड आउट किया था, द आर्ट ऑफ मुस्लिम वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप बाय ज़ैनब आबदी। सेकेंड यूनिट है, आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसके जितने भी ये वाइल रीडिंग के क्वेश्चन हैं ये सॉल्व करेंगे। क्रिटिकल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व करते हुए पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारा यूनिट टू, ये हमारे यूनिट का टाइटल है, द आर्ट ऑफ मुस्लिम वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप। जो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इनको हमने नाम दिया है इंटरनल क्वेश्चन आंसर का। सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। हाउ डिड हज़रत खदीजा इंस्पायर द आथर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन इन बिजनेस। कारोबार के तनाजुर में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आयथर को, मुसन्नफ़ को, किस तरह कारोबारी तनाजुर में मुतासर किया। इसका आंसर है, हज़रत खदीजा इंस्पायर्ड आयथर एज अ रोल मॉडल ऑफ मुस्लिम वुमेन्स इन बिजनेस। के हज़रत खदीजा ने जो इंस्पायर किया है मुसन्नफ़ को एज अ रोल मॉडल, कारोबारी जज्बे की वजह से एक रोल मॉडल के तौर पर बिज़नेस में, ड्यू टू हर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, जो क्या है, कारोबारी उसका जज्बा है, उसने मुतासर किया है। हज़रत खदीजा का जो जज्बा है कारोबार के अंदर, उसने आयथर को, मुसन्नफ़ को इंस्पायर किया है। लीडरशिप, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी कि उनकी जो क़ियादत है, उनकी रहनुमाई है, उसने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, माली आज़ादी ने, एंड बैलेंस, और जो तवाज़न है बिटवीन फैमिली एंड, अपने ख़ानदान और वर्क, घर और काम के दरमियान, ख़ानदान और फैमिली और काम के दरमियान जो तवाज़न है, शोइंग दैट वुमेन कैन सक्सीड इन बिजनेस, ये चीज़ें शो करती हैं, बताती हैं कि औरतें कारोबार में कामयाब हो सकती हैं। वाइलिंग adhering to Islamic values, adhering होता है मानते हुए, इस्लामी इकदार की पासदारी करते हुए ख़वातीन कारोबार में कामयाब हो सकती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है जो इसका वाइल रीडिंग का, what obstacles, क्या रुकावटें हैं, वो कौन सी रुकावटें हैं, did हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा face during her time as a business woman। हज़रत खदीजा ने कारोबार के दौरान, जब वो कारोबार करती थी, कि कौन सी रुकावटों का सामना किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा faced, सामना किया obstacles like, मुश्किलात का, जैसा कि male dominated field, मर्दाना गलबा वाला मैदान, क्योंकि पहले मुआशरे में भी और अब भी हमारा जो मुआशरा है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ही कहलाता है, जहाँ के फीमेल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाता और मेल को ही हर जगह पे प्रमोट किया जाता है। सोसाइटियल नॉर्म्स, मुआशरती जो असूल हैं, असूल और ज़वाबत हैं, वो भी ज़्यादातर मर्दों के हक में होते हैं। लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, फैमिली ख़ानदानी तआवुन का फुकदान होना, फैमिली सपोर्ट ना होना, बैलेंसिंग बिजनेस एंड फैमिली के, जिस तरह से बैलेंस ना होना फैमिली और बिजनेस के दरमियान, ओवरकमिंग विडोहुड स्टिग्मा, बेवापन की बदनामी पर काबू पाना, ये सब मुश्किलात थी जिन पर उन्होंने काबू पाया। शी ओवरकम दीज चैलेंजेस, उन्होंने इन मुश्किलात को कम किया, टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो इस तरह से वो एक कामयाब कारोबारी खातून बन गई इन सब मुश्किलात पर काबू पाकर। नेक्स्ट है, व्हाट मोटिव्स द ऑथर टू कंसिडर स्टार्टिंग हर ऑन बिजनेस, के एक क्या मोटिव है कि मुसन्नफ़ अपना, किस बात से वो मोटिवेट हुआ है, क्या चीज़ है जिसने उसको मुतहर्रिक किया है कि वो अपना कारोबार स्टार्ट करे। द आयथर इज़ मोटिवेटेड, आयथर जो है, मुसन्नफ़ जो है, वो मोटिवेट हुआ है टू स्टार्ट हर ऑन बिजनेस, के अपना कारोबार शुरू किया जाए, बाय हज़रत
खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंस्पायरिंग एग्जांपल्स, जो मुतासर गुन मिसालें हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, उनसे मुतासर होकर मुसन्नफ ने अपना कारोबार शुरू करने की बात की है। डिज़ायर फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसमें माली आज़ादी की ख्वाहिश शामिल है, एंड पेशन और जज्बा शामिल है, फॉर इनोवेशन एज वेल एज द नीड फॉर वर्क लाइफ बैलेंस एंड द अपॉर्चुनिटी टू एम्पावर अदर्स, यानी कि दूसरों को बाख्तियार बनाने के मौका से अपना कारोबार शुरू करने की हौसला अफजाई जो उसे हुई है, उससे वो इंस्पायर होकर अपना काम शुरू करना चाहती है। हुआर जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी उसके अंदर अनीसा हाजी की, हु आर अनीसा हाजी एंड एनी, ये दोनों एग्जाम्पल हमने पढ़ी हैं कि वो कौन थी, दोनों को क्यों सबक में कोट किया गया है, देखते हैं इनको। कैसर एंड व्हाट आर देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस फोकस्ड ऑन, के उन्होंने अपने कारोबार में, उनके मुतलका जो कारोबार थे क्या फोकस था, किस चीज़ किस से रिलेटेड थे उनके कारोबार, किस चीज़ के मुतलिक थे। अनीसा हाजी एंड एनी कैसर आर मुस्लिम वुमेन, ये दोनों अनीसा हाजी भी और एनी कैसर भी मुस्लिम औरतें हैं, एंटरप्रेन्योर्स हु फाउंडेड, जिनके जो कारोबार हैं वो ये हैं, मोडेनिसा अनीसा हाजी, ये उसने अपने नाम से ही अपने ब्रांड का नाम बनाया है, ऑनलाइन मोडेस्ट फैशन ब्रांड, इनका ऑनलाइन फैशन ब्रांड है कि वो फैशन से रिलेटेड चीज़ों को बताती हैं लोगों को। ब्यूटी बाय एनी एनी कैसर, ये एनी कैसर का है जिसका नाम है ब्यूटी बाय एनी, हर्बल एंड क्रुएल्टी फ्री क्रुएल्टी फ्री कॉस्मेटिक्स कंपनी, ये इनकी कंपनी है जो कि हर्बल है और वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है आपकी स्किन को, जो उसकी कॉस्मेटिक्स हैं। क्रुएल्टी फ्री का मतलब यहाँ पे ये बनता है कि किसी भी नुकसान से पाक उन्होंने ये अपनी हर्बल प्रोडक्ट तैयार की हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज अनीसा, व्हाट डज अनीसा एम्फसाइज अबाउट मोटिवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाई इट इज़ सिग्निफिकेंट। अनीसा जो हैं वो किस चीज़ पर जोर देती हैं, और जो जिस चीज़ पर वो जोर देती हैं वो क्यों अहम है, क्यों इतना वो जोर देती हैं उसकी सिग्निफिकेंस पर। अनीसा हाजी एम्फसाइज दैट मोटिवेशन शुड कम फ्रॉम आवर डिज़ायर टू सर्व अदर्स, नॉट जस्ट पर्सनल गेन। वो हौसला अफजाई करती हैं कि आपकी बिज़नेस की जो ख्वाहिश है, मोटिवेशन है, वो ख्वाहिश आपकी अच्छी ख्वाहिश है कि उससे ना सिर्फ आपका ज़ाती फ़ायदा हो बल्कि दूसरों की खिदमत भी उसमें शामिल हो। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्पस, वो हाईलाइट करती हैं, तरजीह देती हैं कि मकसद का होना कितना ज़रूरी है। ट्रेवन इंटर प्रन्योरशिप एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुआशरती ज़िम्मेदारी के लिए और आपके कारोबारी बिजनेस के लिए इस चीज़ पे वो जोर देती हैं कि कोई ना कोई आपका मकसद होना चाहिए। जैसे अगर आप दूसरों की खिदमत को अपना मकसद बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको प्रॉफिट भी मिलता है और अल्लाह की तरफ से अजर भी मिलता है। हाउ डज द आइथर प्लान टू अलाइन हर पेशन फॉर कुकिंग यमनी फूड विद हर एंटरप्रेन्योरल गोल्स, यानी कि वो कहता है कि वो यमनी फूड को तरतीब में लाने का जो इरादा रखता है, उसके कारोबारी मकासद जो हैं वो क्या हैं, किस तरह का बिजनेस वो करना चाहता है। द आइथर प्लान टू स्टार्ट, जो मुसन्नफ है वो प्लान करती है कि वो शुरू करे यमनी फूड बिजनेस, यमनी खाने का कारोबार, लाइक कैटरिंग, जिस तरह से कैटरिंग होती है, और आ रेस्टोरेंट, या कोई वो कैटरिंग का काम शुरू कर दे कि उसको ऑर्डर मिले वो पका खाना प्रोवाइड कर दे, या कोई वो रेस्टोरेंट बना ले। कॉम्बाइनिंग हर पेशन फॉर कुकिंग विद एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल इम्पैक्ट, इससे क्या है, क्योंकि उसके अंदर पेशन है कुक करने का, कुकिंग का, खाने बनाने को वो पसंद करती है, चॉइस की आइथर है, इससे क्या होगा कि मुआशरती असर भी अच्छा पड़ेगा और वो अपना कारोबार भी बेहतर तरीके से कर सकेगी। व्हाट मैसेज और एडवाइस डज द आइथर ऑफर द मुस्लिम वुमेन रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी के हवाले से आयतर जो है वो क्या पैगाम या मशवरा देता है। द
आयथर एडवाइस, आयथर जो है मुसन्नफ जो है वो नसीहत करती है मुस्लिम वुमेन, मुसलमान औरतों को, टू परस्यू एंटरप्रेन्योरशिप विद फेथ, कि वो कारोबार करें, कारोबार में आए किसके साथ, अपने ईमान के साथ, अपने दीन को सामने रखते हुए, पर्पस किसी कोई ना कोई उनका मकसद हो, एंड रेजिडेंस, एंड टू यूज़ देयर बिजनेस, उनका मकसद हो कि अपने दीन और ईमान को साथ साथ लेकर चलना है, एंड टू यूज़ देयर बिजनेस एज अ मीन टू अपलिफ्ट एंड एम्पावर देयर कम्युनिटीज़, के कारोबार को अपनी बिरादरियों की तरक्की और दूसरे लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए इस्तेमाल करें, वाइल स्टेइंग ट्रू टू देयर वैल्यूज़ एंड इस्लामिक प्रिंसिपल्स, जबकि हम ये काम अपने इस्लामिक प्रिंसिपल्स के, इस्लामी असूलों के अंदर रहते हुए इस सरंजाम दे सकते हैं, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी बाउंड्रीज़ को हम कभी भी क्रॉस ना करें, क्योंकि उसके अंदर ही हमें दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी मिलती है। इससे इसके बाद है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत खदीजा कौन है, एंड व्हाट रोल डिड शी प्ले इन बिजनेस ड्यूरिंग हर टाइम, उन्होंने अपने वक़्त में कारोबार में क्या किरदार अदा किया, और हज़रत खदीजा कौन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत खदीजा वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व असहाबिही वसल्लम। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व असहाबिही वसल्लम की पहली बीवी, एंड अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन, और एक कामयाब कारोबारी खातून, हु कंट्रोल्ड इम्पोर्टेंट कारवान ट्रेड्स, she demonstrated what women could achieve financial independence and self sufficiency despite challenges, ke aurat mushkilat ke bawajood, despite challenges hone ke bawajood, khud mukhtiyari aur mali kafalat kar sakti hai, wo apne waqt ki ek ahem karwan ko trade karti thi, uski tijarat karti thi, aur wo is cheez ka muzahira karti hai ke aurat mushkilat ke bawajood bhi khud kafil ho sakti hai, apne karobar ko behtar taur par chala sakti hai. Second question hai, what motives the author Zainab Abdi to consider starting her own business, के Zainab Abdi के क्या किस चीज़ से वो मोटिवेट हो रही है और वो कंसिडर करती है कि अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए. Zainab Abdi was inspired, Zainab Abdi जो है वो inspired है, मोटिवेट हो रही हैं बाय सक्सेसफुल जो कामयाब औरतें हैं, सोमाली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जो सोमाली कामयाब औरतें हैं, एंड देयर अचीवमेंट्स, और जो उनकी कामयाबियां हैं इन स्टार्टिंग, के वो कारोबार शुरू करती हैं एंड रनिंग बिजनेस, और अपना बिजनेस चलाती हैं, बिजनेस को रन करती हैं. शी फेल्ट मोटिवेटेड टू फॉलो देयर एग्जाम्पल, वो महसूस करती है कि इससे मोटिवेशन मिलती है कि इन एग्जाम्पल को फॉलो किया जाए, एंड परस्यू हर इंटरप्रेन्योरल ड्रीम, और कारोबारी ख्वाबों को आगे बढ़ाने के लिए इससे हौसला अफजाई मिलती है, तो इस वजह से वो इंस्पायर होकर अपना कारोबार शुरू करना चाहती है. अकॉर्डिंग टू अनीसा के मुताबिक, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, क्या ज़रूरी है फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू रिमेंबर, के कारोबारी लोगों को क्या याद रखना चाहिए व्हेन, जब स्टार्टिंग अ बिजनेस, जब वो एक कामयाब शुरू करें, एक कारोबार शुरू करें, तो उन्हें क्या याद रखना चाहिए. इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू अनीसा के मुताबिक, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये ज़रूरी है फॉर एंटरप्रेन्योर्स, कारोबारी हजरात के लिए या ख्वातीन के लिए, टू रिमेंबर, के वो याद रखें, डेट योर बिजनेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट शू, कि आपका कारोबार सिर्फ आपके मुतल्लिक नहीं होना चाहिए, एंड टू प्रोफिटाइज सर्विंग अदर्स, वो दूसरों के लिए भी नफा बख्श हो, मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक अच्छा मुस्बत असर छोड़े, एंड क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कम्युनिटी, के दूसरों की खिदमत करने और मुस्बत असरात मरतब करने और कम्युनिटी के लिए कदर पैदा करने को तरजीह दें, ना सिर्फ उसमें प्रॉफिट कमाना और अपने आप को प्रमोट करना आपका मकसद हो. व्हाट इज़ Zainab Abdi's
पर्सनल इंटरप्रेन्योरल गोल्स के उनका जाती कारोबार का क्या मकसद है एंड हाउ डज इट रिफ्लेक्ट हर पैशन, और वो उसके जज्बे को कैसे जाहिर करता है। इसका आंसर है ज़ैनब आबदीज पर्सनल इंटरप्रेन्योरल गोल इज टू स्टार्ट अ सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली फैशन ब्रांड, माहौल दोस्त फैशन ब्रांड रिफ्लेक्टिंग जो कि अकासी करता है हर पैशन उसके जज्बे की फॉर इन्वायरमेंटलिज्म एंड मॉडर्न फैशन, जो कि माहौल दोस्त भी है और जदीद भी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, सवाल नंबर 5, हाउ डज द आइथर इनकरेज मुस्लिम वुमेन्स टू अप्रोच द इंटरप्रेन्योरशिप इन द टेक्स्ट, यानी कि आइथर जो है वो किस तरह से हौसला अफजाई करता है और रजू करने की तरगीब देता है। इसका आंसर है द आइथर इनकरेज, आइथर जो है वो इनकरेज करता है, हौसला अफजाई करता है मुस्लिम वुमेन्स मुसलमान औरतों की कि जो मुसलमान खातून हैं टू अप्रोच इंटरप्रेन्योरशिप विद फेथ, कि वो पहुँचें कारोबार तक रसाई हासिल करें अपने दायरा इस्लाम अपने दीन इस्लाम के अंदर रहते हुए पर्पस एंड, और उनका मकसद होना चाहिए रेजिलेंस कि उसके अंदर लचक हो, उनका जो मतलब है सबको वो साथ लेके चलें एंड टू व्यू देयर बिजनेस एज अ मीन्स टू सर्व अदर्स, कि दूसरों की खिदमत के तौर पर वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं, अपलिफ्ट देयर कम्युनिटीज़ के अपनी बरादरियों को साथ लेकर चलें एंड स्टे ट्रू टू देयर वैल्यूज़ एंड इस्लामिक प्रिंसिपल्स, अपने इकदार और इस्लामी असूलों पर कायम रहते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज द आइथर बिलीव, आइथर को मुसन्नफ़ को क्यों यकीन है या उसका जो ख्याल है इट्स एसेंशियल फॉर मुस्लिम वुमेन्स के मुसलमान औरतों के लिए ये ज़रूरी है टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, कि वो अपना कारोबार शुरू करें अपना कारोबार स्टार्ट करें इवन यहाँ तक के इफ़ दे स्टार्ट स्मॉल और फेस फेलियर, के स्मॉल के छोटा ही क्यों ना हो नाकामी का सामना क्यों ना करना पड़े लेकिन वो हर सूरत में अपना कारोबार शुरू करें, ये मुसन्नफ़ की का ख्याल है उसका यकीन है कि ये लाजम होना चाहिए। इसका आंसर है द आइथर बिलीव्स, मुसन्नफ जो है वो यकीन रखती है या उसका ख्याल है इट्स एसेंशियल ये ज़रूरी है फॉर मुस्लिम वुमेन्स मुसलमान औरतों के लिए टू स्टार्ट देयर ऑन बिजनेसेस, कि वो अपने कारोबार शुरू करें बिकॉज क्योंकि इट अलाउज देम टू मेंटेन अथॉरिटी, कि वो उनकी खुद मख्तियारी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है, परस्यूज देयर पैशन एंड क्रिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट, जज्बात को आगे बढ़ाने और मुस्बत असरात पैदा करने की इवन इफ़ दे स्टार्ट, यहाँ तक कि अगर वो शुरू करती हैं स्मॉल एक छोटा बिजनेस और फेस फेल्योर और उसमें नाकाम हो जाती हैं या नाकामी का सामना करना पड़ता है विच कैन लीड टू पर्सनल ग्रोथ एंड इंटर एम्पावरमेंट, इससे क्या होता है उनकी ज़ाती तरक्की भी होती है और वो बाख्तियार बनने का वो चीज़ उसका कारोबार बायस बन सकती है। अगर आप मसलन किसी नाकामी को भी फेस करते हैं तो कामयाबी के लिए नाकामी का होना ज़रूरी है, नाकामी कामयाबी का पहला स्टेप होती है, ये आप एक एग्जांपल बन सकते हैं अपने आने वाली नस्ल के लिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप रोल मॉडल का काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, How do the stories of Anisa Haji and Annie Kaiser challenge stereotypes or cultural norms about beauty and wellness, के अनीसा हाजी और जो एनी कैसर है दोनों के जो कारोबार हैं वो फैशन से रिलेटेड हैं, कि जो हमारे कल्चर में सोसाइटी में असूल या जवाबत पाए जाते हैं ब्यूटी के मुतल्लिक या अपने आप को ठीक रखने अच्छा रखने के मुतल्लिक वो दक्यानुसी तसव्वुरात जो हैं वो क्या हैं, पूरी पूरी कहानियाँ बनी होती हैं कि इस तरह से होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए। द स्टोरीज ऑफ एनी हाजी अनीसा हाजी की जो कहानी है एंड एनी कैसर दोनों की जो स्टोरीज़ हैं कहानियां हैं वो चैलेंज करती हैं स्टेरियोटाइप जो दक्यानुसी तसव्वुरात हैं एंड कल्चरल नॉर्म्स जो मुआशरती असूल व ज़वाबत या हम कह लें कि जिस तरह से एक
कल्चरल वैल्यू चलती आ रही होती है बहुत पुरानी, जिसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। सिर्फ बस ये होता है कि हमने अपने वालदन को देखा होता है, वालदन ने अपने वालदन को देखा होता है, इस तरह से वो नस्ल दर नस्ल चीज़ चलती आ रही होती है। बाय शोकेसिंग मुस्लिम वुमेन्स एज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इन द ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री, डिफाइंग एक्सपेक्टेशंस एंड प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी, डिवर्सिटी एंड मोडेस्टी इन द सेक्टर, यानी कि फलाह बहबूद की संत तवक्कुआत की ख़िलाफ़ वर्जी और संतकारी को फ़रोग देना है कि वो अपना कारोबार शुरू करें। यही उन्होंने, उनकी स्टोरीज़ हैं कि उन्होंने देखा ना उस तसव्वुरात को तोड़ा है और फलाह बहबूद की बेहतरी के लिए काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर सम की, कुछ जो कलीदी किरदार हैं या की कहते हैं इसमें, वैसे की का मतलब होगा चाबी, लेकिन यहाँ पर इसका क्या है, takeaways from the text that you find inspiring or insightful for aspiring entrepreneurs, especially Muslim women, के हौसला अफजा या बसीरत अंगेज कारोबारी खवातीन ने क्या कलीदी किरदार अदा किया है कि हम उनसे इंस्पायर होते हैं या उनसे उनकी एग्जाम्पल्स को पेश करते हैं। कि takeaways for inspiring इंटरप्रेन्योर्स स्पेशली मुस्लिम वुमेंस, अहम नकात जो हैं, कलीदी किरदार जो है कि हम उनसे इंस्पायर होते हैं वो ये है, फेथ गाइड्स बिजनेस, ईमान कारोबार की रहनुमाई करता है, सर्व अदर्स क्रिएट इम्पैक्ट बी रिजिलिएंट, के वो लचक पैदा करें दूसरों को, दूसरों की खिदमत का जज्बा पैदा हो, क्रिएट इम्पैक्ट के अच्छा मुस्बत असर पैदा करें, परस्यू पैशन विद पर्पस, मकसद के साथ जज्बों की पैरवी करना, ब्रेक स्टेरियोटाइप्स, दकियानूसी तसव्वुरात को तोड़ दो। ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें आगे बढ़ाने में, आगे काम करने में हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा करती हैं। अगर हमारे अंदर जज्बा होगा, हम अपने जज्बे की पैरवी करेंगे, तो इंशाल्लाह कोई भी कुव्वत जो है वो हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। कैन यू आइडेंटिफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड एडिशनल क्वेश्चंस और एरियाज ऑफ इंटरेस्ट डेट अरोज फॉर यू एज यू रीड द टेक्स्ट, अजाफी सवाल जो हैं इसमें हमने निशानदही करनी है, अजाफी क्वेश्चन की, जो अजाफी सवालात हैं कि ईमान और कारोबार में तवाज़ुन वगैरह जो हम रखते हैं वो कौन से एरियाज हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के उसमें दिलचस्पी का जो शोबा है इसका ये करना है। इसका जवाब हम करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। एडिशनल क्वेश्चंस, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये अजाफी सवाल, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दिलचस्पी के जो शोबे हैं, बैलेंसिंग, तवाज़ुन कायम रखना, फेथ एंड बिजनेस, दीन और कारोबार में, कम्युनिटी एंड फैमिली सपोर्ट, ब्रादरी और ख़ानदानी तावन, एक्सेस टू रिसोर्सेज, वसाइल तक रसाई एंड नेटवर्क, और नेटवर्क तक रसाई का हासिल होना, इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट। नेक्स्ट ये प्री रीडिंग के क्वेश्चन थे, ये हमने इसकी जब ट्रांसलेशन और रीडिंग की थी, रीडिंग ट्रांसलेशन में इनको सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने अभी ये क्वेश्चन नंबर 9 किया है कि आइडेंटिफाई जो एडिशनल क्वेश्चन वाला था, यहाँ तक ये सॉल्व हुआ। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन में हमने क्या करना है, इसमें है ग्रुप डिस्कशन, रोल प्लेइंग, इन सब चीज़ों का ताल्लुक क्लासरूम और टीचर से है, जो कि टीचर क्लास में कोई ना कोई एक्टिविटी दे के, इंटरव्यू एक्टिविटी है कि इंटरव्यू कैसे होता है, इंटरव्यू कैसे देते हैं, ये सब चीज़ों का ताल्लुक ओरल कम्युनिकेशन से है। नेक्स्ट है विकेबलरी एंड ग्रामर, ग्रामर जो असूल और जवाबत होते हैं किसी भी ज़बान को सीखने के, वो ग्रामर कहलाते हैं। विकेबलरी जो आपका ज़खीरा अल्फाज होता है उसको विकेबलरी कहते हैं। अ हाइफ़न, हाइफ़न क्या होती है, ये छोटी सी लाइन होती है, ये क्या करती है, जॉइंस टू वर्ड्स, दो लफ्ज़ों को जोड़ती है, टू हैव वन मीनिंग, उसको दो लफ्ज़ों को जोड़कर उसका एक मानी बना देती है। जैसे 51, इसमें ये लगी तो क्या बन गया, ये एक लफ्ज़ बन गया। इस तरह से हमने इसमें करना ये है, अब आपको थोड़ा सा बड़ा करने से नज़र सही आ जाएगा। यहाँ पे ये लगेगी वेल नोन के दरमियान, टू ईयर ओल्ड के दरमियान, टॉप नॉच के दरमियान, ब्रांड न्यू, और यहाँ पे ये पूरे इसमें यूज़ हमने कर दी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है, एक्सरसाइज 2, हैफिनेटेड नाउंस एंड एडजेक्टिव,
ये मैं आपको बता देती हूँ कि ए वाले में जो आएगा वो आएगा क्रिसमस ट्री, सेकंड वाले में आएगा फोटो एल्बम, और इसमें सी वाले में आएगा वेल ऑर्गेनाइज्ड, डी वाले में आएगा वेल नॉन, ई वाले में आएगा फंड रेजर होता है, फंड जमा करने वाला। इसमें सब में ये, क्योंकि हमने इसके अंदर हाइफ़न लाजमी इस्तेमाल करनी है, ये सब के अंदर है, तो ये वाला इसका ये यहाँ तक हो गया। ये एक्सरसाइज 3 है, वर्ड एंडिंग इन, वर्ड की जो एंडिंग है वो किस पे है, ओ यू जी एच पे होनी चाहिए। फर्स्ट वाले में तो रफ आ जाएगा, लेकिन सेकंड वाले में इनफ नहीं आएगा। सेकंड वाले में एपिटेट 2 आएगा, लेकिन इनफ नहीं आएगा, वो क्वेश्चन सॉल्व अच्छी तरह से नहीं हुआ। यहाँ पर रफ आएगा, इसमें आएगा रफ, सी वाले में आर ओ यू जी एच रफ आएगा, और डी वाले में यही आएगा कि वी विल नीड टू वर्क थ्रू दिस प्रॉब्लम टुगेदर, इसका मतलब होता है के जरिए, ये इसका ठीक है, इसमें यही आएगा। और ई वाले में ही इज़ ट्राइंग टू सॉल्व आएगा, यहाँ पर ट्राई टू सॉल्व, क्योंकि इसका सॉल्व के अलावा कोई भी सही मीनिंग, अप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं बन रहा, कि यहाँ पर ये वाला वर्ड नहीं आएगा। द डिफ़िकल्ट मैथ क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 है, क्रिएटिंग हाइफिनेटेड फ्रेज। ये जो है इसमें हाई एल्टीट्यूड माउंटेन, ये सही है, हाई क्वालिटी या हाई अचीविंग, हाई रिस्क या हाई फ्लाइंग, हाई रिस्क ज़्यादा सही रहेगा, हाई एल्टीट्यूड इसमें आएगा, इसमें आएगा हाई एनर्जी, ये इसका सही यानी कि एप्रोप्रिएट मेथड है इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 5, हाइफ़न यूज इन कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव जो है उसमें हमने हाइफ़न को यूज़ करना है, जो कि हमने कर लिया है, जैसे 20 इयर्स ओल्ड इसमें आ जाएगा स्मॉल साइज में, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, ये सारे हो गए। नेक्स्ट है डेनोटेटिव मीनिंग और कैनोटेटिव मीनिंग। इनको अगर हम सादा तरीके से समझेंगे तो हमें बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। जो डेनोटेटिव मीनिंग है इसका मतलब है कि लफ्ज़ के लुगवी मानी, जो वो तारीफ जो हमें डिक्शनरी में या हम जब गूगल वगैरह करते हैं तो मिलेगी। मिसाल के तौर पर हम एक वर्ड लेते हैं, उसको डिक्शनरी में देखते हैं, जो उसका सीधा सीधा लुगत में मानी उसका लिखा है। जैसे हम इसको देखेंगे कि फ़ख्र को देखें, तो ये एक आम अंदराज जो में है, खुद एहतराम या खुद एतमादी, सीधा सीधा जो मीनिंग आ जाता है, सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने खुद एहतराम, खुद एतमादी, ये सीधे सीधे इसके मीनिंग आ जाएंगे। और डेनोटेटिव का मतलब यही है कि जो लफ्ज़ का मानी हमें डिक्शनरी से मिलता है, सीधा सीधा जो उसका मीनिंग है। और जो कैनोटेटिव मीनिंग है वो क्या है, वो उसके मफहूम के लिहाज से, जैसे मफहूम से मुराद वो जज्बात हैं या ख्यालात हैं जिनके बारे में आप कुछ सोचते हैं जब कोई लफ्ज़ वगैरह पढ़ते हैं। जैसे ऊपर हमने क्या देखा है कि एक लफ्ज़ है, प्राउड है, फ़ख्र है, उसका सीधा सीधा मीनिंग है, ठीक है, जो हमें आम डिक्शनरी से कहीं से भी मिल जाता है, लेकिन उसका जो मफहूम है वो मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। अगर आप लफ्ज़ फ़ख्र को सुनते हैं तो आप इसे मनफी माने से भी जोड़ सकते हैं, जैसे मगरूर है इस तरह से, और इसे पॉजिटिव मीनिंग में भी जोड़ सकते हैं, जैसे हम कहते हैं खुद एतमादी है, ये टैलेंट है। इसी तरह से डेनोटेटिव सीधे सीधे मीनिंग है जो आपको डिक्शनरी वगैरह में मिल जाते हैं, और कैनोटेटिव जो मीनिंग है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं आपकी सोच और आपके पॉजिटिव या नेगेटिव मेथड के मुताबिक डिफरेंट हो सकते हैं। इसमें हमने यही करना है, दोनों चीज़ों को हमने माइंड में रखना है कि जो कैनोटेटिव हैं वो मफहूम के लिहाज से हैं, वो चेंज होते रहते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और डेनोटेटिव जो उसका सीधा सीधा मानी है, बस इतनी चीज़ को आप माइंड में बिठा लेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर जो 6 दी गई है, ये हमने यही करना है, आइडेंटिफाई करना है कैनोटेटिव को और डेनोटेटिव को। ये वाले सारे जो दिए गए हैं ना, इनके हमने लिखे हैं, आइए उनको देखते हैं। जैसे
सबसे पहला लफ्ज जो है वो है स्नैक। ये हम किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे कि स्नैक क्या होता है, वो हमें बता देगा कि ए अ लॉन्ग जेनोटेटिव मीनिंग में क्या है, एक ये लंबा होता है, लॉन्ग होता है, लेगलेस इसकी टांगे नहीं होती, रैपिटल ये रिंगता है, ये सब चीज़ें क्या हैं स्नैक के बारे में हमें बताती हैं। ये सीधा सीधा स्नैक का मीनिंग है। और कैनोटेटिव एसोसिएट विद डेंजर, इसका जो मफहूम है ये किससे एसोसिएट करता है कि ये ख़तरनाक होता है, ये आपको काट सकता है, इससे मौत हो सकती है, विद डेंजर ख़तरे से एसोसिएट करता है। और फियर यानी कि इसको देख के हमारे ऊपर खौफ तारी हो जाता है, और खौफ को इसी तरह से होम अ प्लेस वेयर पीपल लिव परमानेंटली, घर ऐसी जगह है, होम क्या है घर है, ऐसी जगह जहाँ पर परमानेंट लोग रहते हैं, और इसका ये डेनोटेटिव है। और कैनोटेटिव में क्या होगा, इवोक फीलिंग ऑफ कंफर्ट एंड सिक्योरिटी, जहाँ पर क्या है फीलिंग आती है आराम की, सुकून की, सिक्योरिटी की, तहफ़ की। सीधी सीधी बात है, आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ रही होगी कि डेनोटेटिव में हम सिंपल उसके मीनिंग की तरफ जाते हैं और कैनोटेटिव में हम मफहूम की तरफ जाते हैं। जैसे मेंशन, ये क्या मेंशन कहते हैं हवेली को, हवेली का लफ्ज़ सुनते ही हमारे माइंड में आ जाता है अ लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, कि एक बड़े घर को हवेली कहा जाता है। एसोसिएट किससे करता है, विद वेल्थ से और हाई सोशल स्टेटस, ये किस में चला गया, ये कैनोटेटिव में आ गया, कि इम्प्लाइज वेल्थ एंड लग्जरी, कि वो लग्जरी हाउस है, उसमें दौलत का इस्तेमाल हुआ है, ये एसोसिएट इसने किया है कैनोटेटिव को। सीधा सीधा जो इसका मीनिंग है कि अ लार्ज इम्प्रेसिव हाउस। इसी तरह से स्लिम, थिन, और जो पतला होता है, स्लिम होता है, उसको हम थिन भी बोलते हैं, स्लेंडर। कैनोटेटिव में कैन इम्प्लाई बीइंग गुड शेप, जिसकी शेप अच्छी हो उसको हम स्लिम कहते हैं। इस तरह से शाइनी, वेरी थिन, ये है शिनी, शिनी का क्या मतलब है, यानी कि पतला, वेरी थिन, बहुत पतला, और ऑफन यानी कि अक्सर कैरीज नेगेटिव, इसकी जो कैनोटेशन है वो क्या है, ऑफ अनअट्रैक्टिवनेस, कि उसमें कोई कशिश नहीं पाई जाती, और या फर्जिलिटी यानी कि उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। इसी तरह से हाउस आ बिल्डिंग फॉर लिविंग इन, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम रहते हैं। रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी, जो कि नुमाइंदगी करती है फैमिली एंड शेल्टर, आपकी पनाह की और आपकी फैमिली को वो पनाह मुहैया करती है, उसको कहते हैं। जैसे कॉटेज अ स्मॉल कोजी हाउस, और कैनोटेटिव में इम्प्लाय सिंप्लिसिटी, कि बिल्कुल सादा होता है, छोटा सा होता है, एंड क्वेंटिनेस ऑफ लाइफ स्टाइल। इसी तरह से चाइल्डिश है, चाइल्डिश क्या होता है, बचकाना, बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, के बच्चों की तरह बिहेव करना, इन अ नेगेटिव वे। और कैनोटेटिव में कैरीज नेगेटिव एसोसिएशन इन इमेच्योरिटी, जैसे बचकाना हरकतें करता है, इस तरह चाइल्ड लाइक रिसम्बलिंग अ चाइल्ड कैन इवोक इनोसेंस एंड प्योरिटी, मासूमियत और पाकीज़गी को जन्म दे सकता है। इसी तरह से है हाउसफुल, हाउसफुल क्या होता है, फुल ऑफ पीपल और थिंग्स, भरा हुआ घर लोगों से या चीज़ों से, मे इम्प्लाय इन लाइवली एटमोसफर और क्यास, यानी कि अफरा तफरी हो जिसमें बहुत ज़्यादा लोग होंगे, इसका ये बन जाएगा। नेक्स्ट भी हमारे जो एक्सरसाइज नंबर 7 है, उसमें हम कहने क्या करना है, कैनोटेटिव वेस्ट कैनोटेटिव सेंटेंस क्रिएशन, के सेंटेंस को हमने बनाना है। ये वाले वर्ड दिए गए हैं, इनसे हमने बना लिया है, आइए इसको देखते हैं। फायर क्या है, फायर आग है, जेनोटेटिव इसका क्या है, द फायर जो आग होती है, क्रैक्ट वार्मली इन द फायर प्लेस, जहाँ पर आग लगती है वहाँ पर चीज़ें तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती हैं, टूट जाती हैं। और इसी तरह से कैनोटेटिव में द फायर ऑफ पैशन, के जज्बा जो आपके अंदर होता है, बर्न्ड फेयर्सली इन हिज आइज, कि जो किसी भी काम करने का जो जज्बा होता है वो आपकी आंखों से चमकता है, ये इसका कैनोटेटिव मानी बनेगा, फ्रेज का कैनोटेटिव फ्रेज और डेनोटेटिव ये इसके बनेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, तालबे इलम है, डेनोटेटिव द स्टूडेंट, इंटेलिजेंटली तनदही से,
स्टूडेंट क्या करता है, टुक नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर, लेक्चर के दरमियान वो नोट्स बनाता है. कैनोटेटिव, शी वाज अ स्टार स्टूडेंट ऑलवेज ईगर टू लर्न एंड एक्सेल, कि वो एक बहुत हाई अचीवर है, हर वक्त वो कुछ ना कुछ उसके अंदर जज्बा पाया जाता है कि वो लर्न करती रहती है, सीखती रहती है. इस तरह से रिच, टेंटेटिव, द सोल वाज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स होता है गुजाई अज़ा, परफेक्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलें उगाने के लिए बहुत मौसर है. इसी तरह से कैनोटेटिव में, ही मे बी रिच इन वेल्थ, हो सकता है उसके पास दौलत हो, वो अमीर हो, बट ही इज़ पुअर इन स्पिरिट, लेकिन उसकी जो नीयत है वो इतनी अच्छी नहीं है. इसी तरह से पेट्रिएट, मोहब्बत वतन, वतन से प्यार करने वाला, द पेट्रिएट प्योरली प्राउडली वेव्ड द फ्लैग ऑन हिज कंट्री, मुहब्बुल वतन जो है, वतन से मोहब्बत करने वाला, वो बहुत फ़ख्र के साथ अपने झंडे को लहराता है. इसी तरह से कैनोटेटिव में, सम व्यू हिम एज अ पोर्ट्रेट वाइल अदर सी हिम एज अ नेशनलिस्ट विद एक्सट्रीमिस्ट व्यूज. इसी तरह से क्वीन जो है, मलका जो है, क्या है, द क्वीन रूल्ड ओवर हर सब्जेक्ट्स एंड मेड डिस्कशन फॉर देम, कि कोई भी वो असूल अज़वाबत की डिस्कशन करती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है. इसी तरह से कैनोटेटिव में, द क्वीन्स मेजेस्टी पावर एंड एलिजेंस इवोक एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल, के उसकी उसकी एक मुकाम होता है और लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, रिस्पेक्ट उसकी होती है. इस तरह से ये इसका कैनोटेटिव फ्रेज है. एक्सरसाइज नंबर 8 है, चूजिंग वर्ड्स फॉर टोन, कि आप अपने टोन के लिए कौन से लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं. इसमें ये 3 क्वेश्चन हैं, जो कि क्रिएट इनफॉर्मल सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट द रिसेंट अचीवमेंट. इस तरह से सेकेंड थर्ड इनको हम सॉल्व करते हैं. करना इसमें यही है कि हमने मुंतखब करना है किसी भी मुनासिब लफ्ज़ को अपनी बात को समझाने के लिए. वो सिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है. डेनोटेशन टू कन्वे स्पेसिफिक टोन, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट वर्ड टू कन्वे अ फॉर्मल इनफॉर्मल पॉजिटिव नेगेटिव. जिस तरह हम मुख्तलिफ टोन को यूज़ करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के लिए, इस तरह से इसमें हम इसको चूज़ करते हुए इसका आंसर लिखेंगे. यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 8 स्टार्ट हुई है, चूजिंग वर्ड्स फॉर टोन्स, टोन के लिए जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं. क्रिएट ऑन इनफॉर्मल सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट आर रिसेंट अचीवमेंट. जस्ट नेल्ड इज्ड माई प्रेजेंटेशन फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, अचीवमेंट्स अनलॉक्ड विनिंग. इसी तरह से ये है नेगेटिव क्रिटिक होता है, तनकीद ऑफ अ रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस, हैड द वर्स्ट एक्सपीरियंस, के बदतरीन तजर्बा एट एक्स वाई ज़ेड रेस्टोरेंट, फूड वाज कोल्ड, उसमें क्या है, खाना ठंडा है, सर्विस वाज स्लो, जो उसकी सर्विस है बहुत स्लो है, आहिस्ता है, एंड द एटमॉस्फेयर, और जो माहौल है उसका रेस्टोरेंट का, वाज डल, वो भी कोई अच्छा नहीं है. डेफिनेटली वॉन्ट बी गोइंग बैक, यकीनन वापस चले जाना चाहिए. नेक्स्ट है, ड्राफ्ट अ नेचुरल मेल टू अ कोलीग अबाउट द वर्क रिलेटेड मैटर. हमने एक ईमेल करनी है, उसमें हमने क्या करना है, अपने कोलीग को जो कि हमारे काम से मुतल्लिक हो. हाय एक्स वाई जी, इसको लिखने का तरीका है, बस आप जिसको कर रहे हैं उसका नेम लिख सकते हैं. आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, के उम्मीद है कि इसमें आप इस ईमेल जो हम कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे. आई वॉन्टेड टू टच बेस अबाउट द अपकमिंग प्रोजेक्ट, जो हमारे आने वाले प्रोजेक्ट हैं उसके मतलब मैं बात करना चाहती हूँ. आर यू अवेलेबल, अगर आप अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, फॉर अ क्विक चैट, एक जल्दी बातचीत के लिए, टू डिस्कस सम डिटेल्स, तो हम कुछ डिटेल कुछ तफसील को डिस्कस कर लेते हैं. लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, बेस्ट योर नेम, ये हम लिखेंगे. नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 9, इसमें हमने करना है एक्सप्लोरिंग सिमिलर डेनोटेशन. एक्सप्लोर क्या होता है, खोज लगाना.
के जो एक जैसी डेनोटेशन है उसको हमने निकालना है। जैसे आई चूज टू वर्ड्स विद सिमिलर डेनोटेशन, हमने मुंतखब किए हैं दो लफ्ज जिसकी डेनोटेशन एक जैसी है, हाउस एंड होम। होम भी घर ही है और हाउस भी घर ही है, दोनों का मतलब घर होता है। सेंटेंस चूजिंग, सेंटेंस जो हम बनाएंगे हाउस से, द ओल्ड हाउस वॉज डार्क एंड ट्रेरी, खौफनाक, पुराना घर जो है वो खौफनाक है। सेंटेंस यूजिंग होम, होम को इस्तेमाल करते हुए हम इसका फिक्रा बनाएंगे, द कोसी होम वाज फील्ड विद वार्म्थ एंड लाफ्टर, के जो छोटा सा घर है वो भरा हुआ है किसे, हंसी से, मजाक से। आगे है डिस्कस द इम्पैक्ट, इसका जो इम्पैक्ट है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो अगरचे बोथ हाउस एंड होम, ये भी घर को ही रेफर करता है और ये भी घर को ही रेफर करता है। हाउस और होम रेफर टू अ प्लेस, कि एक जगह की नुमाइंदगी करते हैं, एक चीज़ को ही रेफर करते हैं। वेयर समवन लीव्स, जहाँ पर कोई ना कोई रहता है। देयर कनेक्शन कैनोटेशन डिफर, जो इसमें कैनोटेशन डिफर है सिग्निफिकेंटली वो ये है, हाउस कैन इम्प्लाई अ फिज़िकल स्ट्रक्चर, हाउस जो है वो जोर देता है, अहमियत को बयान करता है फिज़िकल स्ट्रक्चर की। ऑफन अगरचे अक्सर, ऑफन अक्सर विदाउट इमोशनल, बगैर उसमें जज्बात उसमें शामिल नहीं होते, क्या है, फिज़िकल स्ट्रक्चर, यानी कि वो जिस्मानी ढांचे को रेफ़र करता है। अटैचमेंट वाइल होम, जबकि होम जो है कैरी करता है, कैरीज कैनोटेशन ऑफ कंफर्ट, यानी कि वो नुमाइंदगी करता है कंफर्ट की, सिक्योरिटी आपकी हफाजत की, आराम की, एंड इमोशनल बिलोंगिंग और आपका जो जज्बाती तल्लुक होता है उसकी। द फर्स्ट सेंटेंस, जो पहला जुमला है, फर्स्ट सेंटेंस है, द वर्ड हाउस जो है सुजेस्ट अ कोल्ड और अनवेलकमिंग इन्वायरमेंट, हाउस के अंदर इतना अच्छा माहौल को वो सजेस्ट नहीं करता। वाइल जबकि इन द सेकंड सेंटेंस, जबकि दूसरे जुमले में होम जो है इवोक फीलिंग ऑफ वार्म्थ एंड हैप्पीनेस, वो हमें एक खुशी की फीलिंग देता है। द चॉइस ऑफ वर्ड इम्पैक्ट, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। द टोन एंड इमोशनल रेजोनेंस ऑफ ईच सेंटेंस, के इसमें जो इमोशनल मसलन इसके अंदर गूंज है जज्बाती, वो हर फिक्रे के अंदर पाई जाती है। इसी तरह से एक्सरसाइज नंबर 10 है, एक्सप्लोरिंग, हमने खोज लगाना है, एक्सप्लोर करना है। डिसिमिलर, जो कि मिलती जुलती ना हो डेनोटेशन, मिलते जुलते मानी और मफहूम ना हो, उसको हमने अब करना है। जैसे चीप, दिस टॉय इज़ चीप एंड ब्रेक इसीली, ये खिलौना जो है ये सस्ता है और आसानी से टूट सकता है। इसी तरह से इन एक्सपेंसिव का मतलब है, एक वर्ड है चीप जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, चीप का भी मसलन वही मतलब है कि सस्ता है, जल्दी टूट जाएगा, और इनएक्सपेंसिव की ज़्यादा ये कीमती नहीं है। दोनों लफ्ज़ जो हैं वो मिलते जुलते हैं, लेकिन उनकी टोन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डिसिमिलर टोन पाई जाती है, कि जहाँ हम चीप कहते हैं तो एक अजीब सी निचले दर्जे की एक फीलिंग आती है, जब हम कहते हैं इनएक्सपेंसिव तो हम उस लेवल तक नहीं जाते। दिस टॉय इज़ इन एक्सपेंसिव, ये खिलौना जो है इतना महंगा नहीं है, एंड अ गुड डील, कि ये हमें थोड़ा सस्ता मिल गया है, इतना इनएक्सपेंसिव नहीं है, ये एक अच्छी डील रही है। इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में जो चीप है मेक्स इट साउंड लाइक द टॉय इज़ इन गुड एंड यू सेव मनी, कि आपका जो खिलौना है वो थोड़ा चीप है, आपने पैसे को सेव कर लिया है, बचा लिया है। इट गिव्स अ गुड फीलिंग अबाउट द टॉय, द वर्ड चीप जो है ऑन मेक अस थिंक समथिंग इज़ बैड, यानी कि इस जो इनएक्सपेंसिव है इसमें वो अच्छी फीलिंग हमें देता है, और जो चीप वर्ड है वो हमें क्या देता है, इतनी अच्छी फीलिंग नहीं देता। कैन मेक अस थिंक समथिंग इज़ बैड, के कोई बुरी चीज़ हो गई, ये चीप चीज़ हमें मिल गई, ये अच्छी चीज़ नहीं मिली। द वर्ड इनएक्सपेंसिव, जो इनएक्सपेंसिव का लफ्ज़ है, कैन मेक अस थिंक समथिंग इज़ गुड, वो हमें यहाँ तक ले आता है कि ये करने पर मजबूर करे कि ये चीज़ अच्छी है, एंड
वर्थ जो इसकी है द मनी द वर्ड वी चूज कैन चेंज हाउ पीपल फील अबाउट डेथ वट वी से जब भी हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो लोग इस पर गौर करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं. जैसे हम चीप कहेंगे तो थोड़ी अजीब सी फीलिंग आएगी, अगर हम इनएक्सपेंसिव कहेंगे तो अच्छी फीलिंग आएगी. इसी तरह से एक्सरसाइज नंबर 11 है, एनालाइज हमने करने हैं न्यूआंस इन वर्ड मीनिंग. न्यूआंस के जो उसके अंदर बारीकियाँ पाई जाती हैं उनको हमने करना है. जैसे फ्यूरियस ये भी गुस्सा है, वर्सेस इनरेज्ड ये भी गुस्सा है. न्यूआंस फ्यूरियस जो है गुस्सा, ये वाला लफ्ज़ जो है इसको हम जो अक्सर इस्तेमाल करते हैं ऑफन इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग, ये एक मजबूत फीलिंग की अक्कासी करता है. बट कंट्रोल्ड एंगर लेकिन कंट्रोल माहौल के अंदर, वाइल जबकि जबकि इनरेज्ड जो है सुजेस्ट कैन ओवर वार्मिंग overwhelming and uncontrolled anger. अब हमें पता चल गया कि दोनों लफ्ज़ जो हैं एक कंट्रोल गुस्से को की अकासी कर रहा है, एक उस गुस्से की अकासी कर रहा है जो बिल्कुल अनकंट्रोल है, कंट्रोल में नहीं है. इसी तरह फ्यूरियस को हम इस मिसाल से भी समझ लेते हैं. शी वॉज फ्यूरियस व्हेन शी फाउंड आउट हर फ्लाइट वॉज डिले अगेन. इसी तरह से अनरेज्ड ही बिकम अनरेज्ड व्हेन ही saw the damage down to his car. इसमें क्या है, जब उसने देखा कि उसकी कार का नुकसान हो गया तो उसको कौन सा गुस्सा आया है जो कंट्रोलेबल नहीं है, और जब उसने देखा कि उसकी फ्लाइट लेट हो गई है तो उसको वो गुस्सा आया जो कि कंट्रोल वाला है. इसी तरह से स्लिम वर्सेस स्लेंडर, दोनों का मतलब क्या है, दुबला पतला. न्यूआंस इसमें ये है स्लिम रेफर करता है टू बीइंग ग्रेसफुली देन थिन, यानी कि ग्रेसफुली थिन होना उसको स्लिम जो है वो उसको रेफर करता है. ऑफन यूज्ड इन अ कैजुअल कॉन्टेक्स्ट, हम इसको आम कैजुअल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं. वाइल्ड स्लेंडर जो है इम्प्लाइज अ मोर एलिजेंट एंड डेलिकेट फ्रॉम ऑफ थिननेस, ये क्या करता है. इसी तरह से हमें ये समझ आई है कि स्लिम को हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं जो कि ग्रेसफुल थिन के लिए अक्सर जो चीज़ पतली होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और सिलेंडर को जो ज़्यादा खूबसूरत और नाजुक शक्ल पतलापन उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से सेंटेंस इससे ये बनेंगे, स्लिम जो है द स्लिम डिज़ाइन ऑफ द न्यू स्मार्टफोन मेक्स इट एवरी कम्फर्टेबल टू होल्ड. इसी तरह से सिलेंडर को द डांसर स्लेंडर फिगर मूव ग्रेसफुली अक्रॉस द स्टेज, के जो डांस करने वाला है उसकी जो स्लेंडर फिगर है वो ग्रेसफुली मूव कर रही है स्टेज के ऊपर. इसी तरह से जो स्लिम और ये स्मार्टफोन आया है इसने ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया है, ये ज़्यादा अच्छा है. इसी तरह से नेक्स्ट है पोलाइट वर्सेस कर्टियस, जैसे पोलाइट भी शाइस्ता ही होता है और कर्टियस भी शाइस्ता ही होता है. न्यूआंस पोलाइट रेफर टू शोइंग गुड मैनर, पोलाइट क्या है वो एक अच्छे मैनर को, गुड मैनर को शो करता है एंड रिस्पेक्ट और इज्जत को इन अ जनरल सेंस. वाइल कर्टियस इम्प्लाइज अ मोर थॉटफुल, एक मजीद जो सोच समझ वाला बंदा होता है एंड कंसिडरेट बिहेवियर ऑफन गोइंग बियॉन्ड बेसिक पोलाइटनेस. इसी तरह से सेंटेंस जो हैं पोलाइट ही वॉज पोलाइट टू गेस्ट्स ऑलवेज सेइंग प्लीज़ एंड थैंक यू, के कोई भी बंदा जो मसलन पोलाइट मैनर में बात करता है वो यही हमेशा कहता है थैंक यू प्लीज़. इसी तरह से कर्टियस शी वाज कर्टियस इनफ टू ऑफर हर सीट, वो इतनी शाइस्ता है कि उसने अपनी सीट पेश कर दी टू द एल्डरली मैन ऑन द बस, बस में कोई आदमी खड़ा है उसके लिए जो औरत खड़ी है उसने अपनी सीट पेश कर दी इस तरह से. इसी तरह से सिंसियर मुखलस वेस सिंसियर वर्सेस जेन्युइन, यानी कि मुखलस पे मुकाबला हकीकी, इसमें न्यूआंस सिंसियरिटी रेफर, जो सिंसियरिटी है मुखलस होना वो किसको रेफर करती है टू द ऑनेस्टी ईमानदारी को, ट्रूथफुलनेस कि आप सच्चे हैं एंड एथेंटिसिटी इन वंस फीलिंग कि आपके जज्बात के अंदर कितनी मुखलसी पाई जाती है, और एक्सपेंसेस
एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस जो आपके तासुरात हैं, वाइल जेन्युइन, जबकि जो जेन्युइन लफ्ज़ है इम्प्लाइज एथेंटिसिटी, रियलनेस एंड बीइंग ट्रू टू वन सेल्फ और अदर्स, के अपने आप के लिए और दूसरों के लिए जो मुखलस है उसको शो करता है. सेंटेंस, सिंसियर, हर सिंसियर अपोलोजी टच्ड माई हार्ट, कि उसकी जो मुखलसाना बातें हैं उसने मेरे दिल में जगह कर ली. इट कुड टेल शी ट्रूली रिग्रेटेड हर एक्शंस, के उसे अफसोस हुआ जो उसने कहा. इसी तरह से जेन्युइन, हर स्माइल वाज जेन्युइन, उसकी जो स्माइल है वो हकीकी है. नॉट फेस्ड, ना के दिखावे की. इट रेडिएटेड वार्मथ एंड काइंडनेस. नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 12, क्रिएटिंग फिगर ऑफ स्पीच. यहाँ पे हमने फिगर ऑफ स्पीच को क्रिएट करना है. जैसे सबसे पहला लफ्ज़ है स्माइल, ये हमारा यहाँ तक मुकम्मल हो गया है. जो हमने अब आपको समझाया वो यहाँ तक हो गया. अब एक्सरसाइज नंबर 12 और 13, ये दो एक्सरसाइज रहती हैं. इसको हम, ये दोनों एक्सरसाइज को, 12 और 13 को, ये काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये दोनों एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे.